जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार है कि कब पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो, लेकिन अब आपको बता दें कि यहां पर ना तो पंचायत और ना ही म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो पहले लोकसभा चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनावों के बाद ही आपको म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव देखने को मिलेंगे। यानी अगर आपकी पंचायत में काम नहीं हो रहा है तो आप सोचिए कि वहां पर चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है और जितनी भी अभी पावर्स हैं वो वीडियो के पास है। अगर उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो आप जानते हैं कि साल 2023 की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज थी, चाहे आपके वहां पर काउंसलर थे, कॉर्पोरेटर थे, मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, सबकी पावर जो है वो खत्म हो चुकी है और उसका सारा कारोबार जो है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऊपर है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहां पर लोकसभा चुनावों के बाद म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव होंगे, ये डिले क्यों है? ये डिले साफ तौर पर इसलिए है क्योंकि पहले की जो वार्ड्स बनाई गई हैं, पहले की जो पंचायतें हैं उनकी डिलिमिटेशन सही तरह से नहीं हुई है। अगर एक वार्ड की अगर हम बात करें, 2000 से 3000 जो है वहां पर चुनाव डालने वाले यानी वोट देने वाले बंदे हैं, और दूसरी अगर आप पंचायत देखें तो वहां पर सीधा 12000 से 13000 जो है वो वोटर है, यानी इनका परिसीमन जो है यानी इनकी बाइफर्केशन जो है वो सही तरीके से नहीं हुई है। इस बात को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी भलीभांति जानते हैं कि वाकई जो वार्ड की जिस तरह से हम अगर कहें कि बैलेंस तरीके से नहीं है, चाहे आप अर्बन लोकल बॉडी की बात करें चाहे आप पंचायत की बात करें, इसीलिए अब ये इशू जो है वो रेज किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास। और साथ ही साथ में उन्हें ये भी बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड कास्ट को जो है यहां पर रिजर्वेशन देनी है, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, और उन्हीं को रिजर्वेशन देने के लिए यहां पर यानी ओबीसी का हक उन्हें मिले उसी के लिए यहां पर चाहे पंचायत हो चाहे म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हो उनमें डिले हो रहा है। लेकिन आने वाला अप्रैल और मई जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहद खास है। क्यों खास है वो आपको बताते हैं। खास का क्या यहां पर मकसद है? खास इसीलिए है क्योंकि अप्रैल से मई के महीने में जो है यहां पर लोकसभा चुनाव होंगे। तो आप लोग सोच लें कि अप्रैल से मई के महीने में लोकसभा चुनाव जब हो जाते हैं तो प्रोबेबली ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां पर जून के महीने में या मई के एंडिंग में जो है आपके अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर दे और आपके म्युनिसिपैलिटीज की बात कर दे और साथ ही साथ आपकी पंचायतों की बात कर दे, उनके चुनाव जो है वो यहां पर हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगर बात करें वो इस मुद्दे को जानते हैं, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए यहां पर क्या करना होगा? ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए यहां जम्मू कश्मीर में जो है यहां पर यानी उस एक्ट को अमेंड करना होगा और फिर जाके ओबीसी को जो है सही तरीके से रिजर्वेशन मिल सकती है। अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करें तो उसमें बहुत से लोग जो है वो फॉल करते हैं लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर में उनका हक नहीं मिला। इस बार उन्हें जो है ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है कि इस बार ओबीसी को जो है वो हक दिया जाएगा, लेकिन असल हक तो तभी पता चल पाएगा जब वार्डो का परिसीमन होगा, जब सही तरीके से डिलिमिटेशन होगी और पता चलेगा कि ओबीसीज को उनका हक मिला है या नहीं मिला। और आगे जब यहां पर बात आपसे कर रही हूं तो आपको यह भी बता दें, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कहा है कि ओबीसीज के हक इस बार नहीं खाए जाएंगे, उन लोगों को तमाम तौर तरीके पर जो है वो हक मिलेंगे। लेकिन यहां पर हक किसको दिए जा रहे हैं? ओबीसीज को। लेकिन क्या जो आपकी पंचायत थी, क्या आप म्युनिसिपैलिटी में फॉल करते थे तो आप सुनिए आपकी वार्ड्स का कितना कितना जो है वो काम हुआ है, सरकार को यह भी पता होना चाहिए। और यहां पर एक जनवरी से फरवरी में जो है एक्सरसाइज होने वाली है, वो एक्सरसाइज क्या है? तमाम म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चाहे जून में हो चाहे मई में हो चाहे पंचायत के 6 महीने के बाद हो, लेकिन उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। उसमें क्या है कि जितने भी वोटर्स, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है 1 जनवरी 2024 तक, उन्हें भी उसमें एनरोल किया जाएगा ताकि वो आने वाला अपना वार्ड को कॉर्पोरेटर हो, काउंसलर हो और साथ ही साथ अपनी पंचायत का सरपंच हो उसे चुन सके। आगे जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये साफ तौर पर आप भी जानते हैं कि जिस तरह से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें वो नवंबर 5 को एंड हो गई थी श्रीनगर में और नवंबर 14 को जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन 5 साल इन्होंने पूरे किए और पंचायत जो है वो अपने पूरे साल नहीं कर पाए बीडीओस। और साफ तौर पर जिस तरह से डिलिमिटेशन की बात करते हैं, किसी रेंज में जो है 2000 से 3000 वोटर पड़ते हैं और एक साइड पे 12000 से 15000 पड़ते हैं। इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए यहां पर जो है ये डिलिमिटेशन करवाई जा रही है और आने वाले वक्त में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहां पर बदलाव हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल चाहे म्युनिसिपैलिटीज हो और चाहे पंचायत के चुनाव हो, वो लोकसभा से बाद ही होंगे, लोकसभा से पहले नहीं, और लोकसभा चुनाव जो है अप्रैल और मई के महीने में होंगे। आप लोग अपनी अपनी राय जो है वो रख सकते हैं।